यहाँ उनके उपदेश और ईसा मसीह के बलिदान की गाथा होती है। मैंने सुना है कि यहाँ राजा रानी की चुन्नी कोई शर्मा बेगम सीखी थी, फिर की हो गए युद्धा के हाथ जोड़ने की बात होती है। यहाँ आसाम की चाय हो या दक्षिण के मसाले विदेशियों को खूब आकर्षित करते हैं। या हिमालय में सीख वैष्णो देवी पर चढ़े नारियल की बूटी पहले और बंगाल जैसे राज्य से होती है। फिर क्यों हो गए हम ये जुदा जुदा के आज जोड़ने की बात होती है, जोड़ने की बात होती है। सदर मदरसा मेरे अजीज साथियों और असदजा एक नाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज के दिन की अहमियत हम बखूबी जानते हैं। आज का दिन हमारा हिंदुस्तान मुल्क अंग्रेजों से आजाद हुआ था और 15 अगस्त के दिन हम ये कौमी त्यौहार के पर मनाते हैं। कई सालों की जद्दोजहद के बाद और कई मुजाहिदे आज़ादियों की कुर्बानी के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ। अब हमारा मुल्क आज़ाद हो चुका था, लेकिन हमारे पास खुद का दस्तूर नहीं था, क्योंकि जो अंग्रेजों के जरिए दिया गया था वो हम हिंदुस्तानियों के अंदर वोट और खलिश पैदा करने वाला दस्तूर था। इसलिए हमारे रहनुमाओं ने हमारे जो सर लोग थे उन्होंने जो है हमारे लिए एक दस्तूर साज कमेटी कायम की, जिसके कुल अरकान 299 थे और इनका सदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बनाया गया। कई मुशक्कतों के बाद जो है हमारा दस्तूर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी में नाफिज किया गया। आखिर में हमारा जो है देश भी आज़ाद है और हमारे पास खुद का दस्तूर भी है, फिर भी आज जो है लोग जात पात में भेदभाव करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम इन बीमारियों का इलाज करेंगे और साथ मिलकर के अपने मुल्क को तरक्की और उन्नति की ओर लेके जाएंगे। आखिर में मैं अपनी एक शेर के साथ इस तकरीर का इख्तिताम करता हूँ कि ये नफरत बुरी है न पालो इसे, 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 दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे, बचा लो। क्या बात है।